हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप जाति प्रमाण पत्र को आप बिना ई मित्रा से कैसे बना सकते हैं। बिना ई मित्र पे जाए आप घर बैठे ही इस जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक एसएसओ आईडी होनी चाहिए, नहीं है तो एसएसओ आईडी बना लीजिए। उसके बाद में आपको ई मित्र एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ई मित्र एप्लीकेशन सिटीजन डैशबोर्ड पे ये अवेलेबल होता है, जैसे मेरे पास है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ से आपको बता देता हूँ किस तरह से जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है बिना ई मित्रा के। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो। हम पहुंचे यहाँ पे ई मित्रा पोर्टल पे। ये सिटीजन पोर्टल होता है, इसके अंदर आप आसानी से रजिस्ट्रेशन करके अपनी जो सर्विस है उनका आनंद ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आपको सबसे पहले लैंग्वेज को चेंज करना है। तो आपके जो एसएसओ आईडी के बगल के अंदर ही आपको अ नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज करनी पड़ेगी। यदि हिंदी लैंग्वेज आप इस डैशबोर्ड की नहीं करते हो तो ये आपका डैशबोर्ड है काम नहीं करता है। तो मैं जैसे ही हिंदी पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद में देख सकते हैं प्रमाण पत्र सेवाएँ, यहाँ पे दो नंबर पे देख सकते हैं आप प्रमाण पत्र सेवाएँ। सिंपल सा आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसके ऊपर क्लिक। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सर्विस को सर्च करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, जाति प्रमाण पत्र। जैसे ओबीसी के लिए है तो ओबीसी आपको टाइप करना है, एससी के लिए है तो यहाँ पे एससी एसटी टाइप करना है, तो यहाँ पे एससी एसटी के लिए आ जाएगा। यदि आपका बोनाफिट है तो बोनाफिट क्लिक करना है, जैसे बोनाफिट का आ जाता है, दोनों एप्लीकेशन आ जाते हैं। तो मेरा क्या करना है, ओबीसी का सर्टिफिकेट यहाँ से ऑनलाइन करना है, तो ओबीसी पे सिंपल सा क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप दो तरह के सर्टिफिकेट बना सकते हैं ओबीसी में, स्टेट वाला और सेंट्रल वाला। मैं फिलहाल स्टेट वाले पे क्लिक करूँगा सिंपल सा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना जन आधार नंबर डालना है। आप अपनी इस एसएसओ आईडी से किसी दूसरे का भी आप बना सकते हैं, किसी का जाति प्रमाण पत्र दूसरे का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जन आधार नंबर डाल के आगे बढ़ता हूँ। आधार नंबर एंटर किया, इसके बाद में आगे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो तरह के ऑथेंटिकेशन होते हैं, जन आधार और आधार। मैं यूआईडी बेस आधार जो है ऑथेंटिकेशन करने वाला हूँ। यहाँ पे सो फैमिली मेंबर पे मैं सिंपल सा क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली मेंबर आपके सामने शो हो जाते हैं, उनके आधार नंबर भी शो हो जाते हैं। मैं सिंपल सा जिसका भी आवेदन करना है उसके आगे यहाँ पे जो भी ब्लैंक दे रखा है उसके ऊपर क्लिक करना है, जो सर्कल। उसके बाद में वेरीफाई एंड फेस डिटेल्स पे हमें क्लिक करना है। वेरीफाई एंड फेस डिटेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके आधार, जो भी आधार के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, वही ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर करना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ वही ओटीपी। ओटीपी को एंटर करने के बाद में दोस्तों ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे सारी की सारी आपकी डिटेल्स आ जाती है। आपकी बैंक डिटेल्स है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका यहाँ पे जाति है, सब कुछ आ जाता है। पर्ची पत्र है या ड्राइविंग लाइसेंस है, यहाँ पे बैंक अकाउंट की जो मैंने बात करती बैंक अकाउंट है। इसके बाद में आपको सिंपल सा जो भी डिटेल्स नहीं है आपकी फिल, तो वो यहाँ पे आप एंटर करके भर सकते हैं, वरना आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में फेस एड्रेस पे सिंपल सा आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एड्रेस आ जाता है, एड्रेस सही भरा हुआ है, और यदि नहीं भरा हुआ हो तो आप एड्रेस को फिल कर दीजिए। उसके बाद में आपको वर्तमान पते का समान पता है तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो सेम एड्रेस है वो यहाँ पे दूसरे स्थायी पते के अंदर भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद में नीचे सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आगे आपको बढ़ जाना है, तो वेट करना है थोड़ी देर के लिए जो हिसाब की आपकी इंटरनेट स्पीड होगी। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है, ई मित्र पंजीकरण आईडी जनरेट हो जाती है। इसके बाद में ओके पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आपको अगला पे क्लिक करना है, नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जन आधार नंबर यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे आपको शीर्षक भी डाल देना है। आपका शीर्षक, जैसे आप श्री हो तो श्री, जैसे भी आपका जो जेंडर है उसके हिसाब से। फिर यहाँ पे पिताजी का नाम, जन्म स्थान, माता का नाम, उसके बाद में वैवाहिक स्थिति, यहाँ पे देख सकते हैं विवाहित हो या अविवाहित हो। यहाँ पे आपको धर्म सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे जाति आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में उपजाति आपको सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी जाति है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिनका भी आप बना रहे। लेकिन यहाँ पे एससी एसटी का यहाँ से नहीं बनेगा, मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू के अंदर ही कि कहाँ से बनेगा। इसके बाद में यहाँ पे आप राजस्थान के मूल निवासी है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कितनी सूची, जाति का कितना क्रमांक है। जैसे यहाँ पे जाट का 28 होता है, जिस हिसाब से आपका क्रमांक है उस हिसाब से करना है। यहाँ पे कृमि
यार अलग अलग होती है, जैसे जिनकी नौकरी लगती है, नौकरी लगी हुई हो जिनके पिताजी की, ऐसा कुछ, तो वो क्रिमी लेयर के अंदर आते हैं, तो हम नहीं आते, तो नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या, आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद में एड्रेस फिल करने के लिए आपको सिंपल सा नीचे से कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है, इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर भी ऐसे ही कॉपी करके पेस्ट कर देना है। उसके बाद में देख सकते हैं नीचे की तरफ में ये सब ब्लैंक ही छोड़ना है, आपको ऊपर लागू नहीं होता, ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद में सारी चीज़ें ब्लैंक की, इसके बाद में यहाँ पर आपको आय भरनी है, जैसे जो भी आपकी आय है उस हिसाब से साल की, वो यहाँ पे आपको भरनी है। और यहाँ पे आपको एग्री करना है, जो इनका कंसल्ट है वो एग्री करना है, जैसे मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ। इसके बाद में यहाँ का आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, यहाँ पे देख सकते हैं जिस हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे सारी डिटेल्स इनको दे सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको अपना राशन कार्ड नंबर डालना है, जैसे मैं यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डालता हूँ, जो भी आपका राशन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डाटा शो नहीं करेगा, यहाँ पे आपको अपना जो भी, जैसे देखिए राशन कार्ड कब जारी हुआ उस हिसाब से आपको डेट डालनी है, जैसे मैंने डाल दी। इसके बाद में जैसे देख सकते हैं मदर नेम भी आपको डालना है, जो भी जैसे हिसाब से आपका जो एड्रेस दे रखा है उस हिसाब से आपको यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेना है, जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी डाल देना है, डॉक्यूमेंट जो भी आपने जहाँ पे संभाल के रखी है फाइल, 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 MB से कम होनी चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन डॉक्यूमेंट आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद में अदर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रखा है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे आपको लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है ऑल डॉक्यूमेंट लिखना है यहाँ पे देख सकते हैं मैं लिख देता हूँ ऑल पे क्लिक कर दूँगा, सिर्फ ऑल ही लिखूंगा आपको समझाने के लिए सिंपल सा। यहाँ पर आप ऑल डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं, 10 वर्ड होना चाहिए, तो मैं 10 वर्ड यहाँ पे लिख देता हूँ। 10 वर्ड लिखने के बाद में यहाँ पे आपको ब्राउज करना है, जो यहाँ पे भी आपने फाइल को रखा है वो फाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद में अफ्रीमेंटिव, एप्लीकेशन फॉर्म का आगे का कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है, तो ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम हो जाएगा। इसके बाद में जहाँ पर भी आपने डॉक्यूमेंट रखा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों अप्रीमेंटिव अपीडेविट को कॉपी करके यहाँ पे कंसल्ट में पेस्ट कर लेना है। इसके बाद में ये आपका फाइल का नेम हो जाएगा। इसके बाद में जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वही इसके अंदर अपलोड करना है, 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है वही यहाँ पे आपको अपलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म और अफ्रीडेविट के अंदर आपको ही अपलोड करना है। अदर डॉक्यूमेंट के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे आपके, और इसके अंदर आपका सिंपल सा एक राशन कार्ड आपको अपलोड करना है, राशन कार्ड का एक फ्रंट पेज या फ्रंट और बैक साथ में ही अपलोड करना है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा एक पेज अपलोड ना करे, दोनों पेज अपलोड करे, आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो होनी चाहिए। इसके बाद में आपको सिंपल सा ऐड पे क्लिक करना है, पीसी की तरफ जहां पर भी ऐड देगा उसके ऊपर क्लिक करना है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके ऐड हो जाएंगे। अब मैंने सारा ऐड करके डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब दोस्तों सिंपल सा आपको नीचे की तरफ सेव पे फॉर्म सेव करने के लिए सुनिश्चित है, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा और सेव पे क्लिक करूँगा फिर से। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है अगला डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा, वो आपके इंटरनेट पे निर्भर करता है किस तरह से आपका इंटरनेट चलता है उस हिसाब से। तो प्लीज़ वेट पे हम पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। ई फॉर्म डाटा सफलतापूर्वक सेव हो चुका है, तो यहाँ पे हमें ओके पे क्लिक करना है। अब हम सिंपल सा ओके पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं भुगतान के लिए आगे बढ़े इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं भुगतान के लिए बिल जोड़े, यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं, इस हिसाब से आपका इंटरनेट स्पीड रहेगा उस हिसाब से चलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भुगतान के लिए बिल जोड़े सिंपल सा इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका टोकन होगा टोटल 40 रुपये, कृषक शुल्क सही सभी टैक्स यहाँ पे सहित यहाँ पे 40 रुपये आपके कटेंगे। तो भुगतान पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है, विभाग आपसे कुछ भी नहीं ले रहा है। इसके बाद में यहाँ पे से आपकी ईमेल आईडी भी आ जाती है, तो जारी रखना है ईमेल आईडी के रूप में, तो जारी रखें, इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी देर वेट करना है आपको, यहाँ पे पेमेंट पेज पे आपको भेज दिया जाएगा उसका QR कोड पेमेंट और नेट बैंकिंग। यहाँ से आपको नेट बैंकिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नेट बैंकिंग की किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको QR कोड यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, QR कोड पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फोन पे का आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा। इसके बाद में पे नाउ पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है, जैसे पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको
फोन पे की डैशबोर्ड पे भेज दिया जाता है। ई मित्रा के डैशबोर्ड पे रहते हुए आप फोन पे को ओपन कर पाओगे। यहाँ से देखते हैं, रीडायरेक्ट किया जा रहा है फोन पे के गेटवे पे, प्रोसेसिंग हो रहा है पेमेंट, प्रोसेसिंग पे देख जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बैक नहीं जाना है, ना ही आपको रिफ्रेश करना है। फोन पे के आप डैशबोर्ड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सिंपल सा पेमेंट करने के लिए आपको शो क्यूआर कोड या फिर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैं शो क्यूआर कोड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसका आवेदन हो जाएगा। उसके बाद में आपका फर्स्ट अप्रूवल और सेकंड अप्रूवल के बाद में आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो बन जाएगा। उसके बाद में नज़दीकी ई मित्र पे जाके आप रीप्रिंट करवा सकते हैं अपने जाति प्रमाण पत्र को। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।